बिलियन चैप्टर से पराशरण दाब पर आधारित यह आंकिक प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आंकिक प्रश्न 373 केल्विन पर 0.15 मोलर पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन का पराशरण दाब 6.05 वायुमंडल है। इस विलयन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड की वियोजन मात्रा की गणना कीजिए। विलयन स्थिरांक 0.0821 वायुमंडल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दो फार्मूलों का प्रयोग किया गया है। पहला पाई इक्वल टू आई सी एस टी, इस फार्मूले को वांट ऑफ हाफ समीकरण भी कहते हैं, समीकरण कहते हैं। पाई बिलियन का परासरण दाब, इंग्लिश में इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आई स्मॉल आई वांट हाफ गुणांक, कैपिटल सी बिलियन की सांद्रता, मोल प्रति लीटर, एस बिलियन स्थिरांक, कैपिटल टी बिलियन का ताप केल्विन में, केल्विन में। सेकेंड फार्मूला अल्फा परसेंटेज इक्वल टू स्मॉल आई माइनस वन इस अपान माइनस एन माइनस वन इंटू हंड्रेड, इस सेकेंड फार्मूला, इसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। स्मॉल आई वांट ऑफ गुणांक, स्मॉल एन वियोजित आयनों की संख्या। ये है इस प्रश्न में पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक वैद्युत अपघट पदार्थ है जो विलयन में आयनों में वियोजित होता है, इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जहाँ पे स्मॉल आई वांट ऑफ गुणांक है। ऐसे पदार्थ जो विलयन में वियोजित होते हैं उनके लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है, साथ में वियोजन की मात्रा वाले फार्मूले का प्रयोग किया गया है। देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया है। दिया है सी कितना दिया है 0.15
5 मोलर, जिसे मोल प्रति लीटर कहते हैं। कैपिटल टी बिलियन का ताप 373 केल्विन दिया हुआ है और प्रसरण दाब 6.058 atm, 8 मास्फेरिक प्रेशर जिसे वायुमंडल कहते हैं। और कैपिटल एस 0.0821 वायुमंडल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ये दिया हुआ है। यानी सी की वैल्यू दी गई है प्रश्न में, एस की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू दी गई है और पाई की वैल्यू दी गई है, जिसे प्रसरण दाब कहते हैं। यानी यहाँ से वांट ऑफ गुणांक आई का मान निकाल लेंगे। समीकरण एक से स्मॉल आई इक्वल टू पाई अपान सी एस टी वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 6.05 अपान सी की वैल्यू 0.15 इंटू कैपिटल एस की वैल्यू 0.0821 और कैपिटल टी की वैल्यू 373। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो आई इक्वल टू 6.05 अपान 4.593। आई की वैल्यू कैलकुलेट करने पर 1.317 आएगी, कैलकुलेट करने पर। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला K4FeCN का होल 6, ये फार्मूला है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। जब बिलियन में जली बिलियन में घोलते हैं, जली बिलियन में घोलते हैं तो 4K+ 4 पोटेशियम आयन प्लस FeCN6 4 माइनस फोर पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन में टूट जाता है, जहाँ पे कुल आयनों की संख्या स्मॉल n बराबर 5 है। 4 आयन यहाँ पे, 1 आयन यहाँ पे, 5 आयन हो गया। वियोजन की मात्रा इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। समीकरण 2 मान लेते हैं, अतः समीकरण 2 से अल्फा परसेंटेज इक्वल टू स्मॉल आई का मान 1.317 माइनस 1 अपान स्मॉल एन की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू 100। अल्फा परसेंटेज इक्वल टू 0.317 1 से कैंसिल हो गया, 0.317
317 इंटू 100 अपान 4 माइनस 1 5 माइनस 1 5 है माइनस 1 कितना आएगा 4। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा परसेंटेज जो है 7.925% आएगा, 7.925%। यानी इस आंकिक प्रश्न में पोटेशियम फेरोसाइनाइड की जो वियोजित मात्रा है वह 7.925% होगी, ये आंसर है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। 373 केल्विन पर 0.15 मोलर पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन का प्रसरण दाब 6.05 एटीएम है, वायुमंडल है। इस विलयन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड की वियोजन मात्रा की गणना कीजिए, जहां पे विलयन स्थिरांक इक्वल टू 0.0821 वायुमंडल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दो फार्मूले का प्रयोग करेंगे, फाई इक्वल टू ICST जिसे वांट ऑफ समीकरण कहते हैं, आई वांट ऑफ गुणांक, सी विलयन की सांद्रता, एस विलयन स्थिरांक, कैपिटल टी विलयन का ताप, पाई विलयन का प्रसरण दाब। इस फार्मूले से वैल्यू विलयन की सांद्रता दी गई है, विलयन का ताप दिया गया है, विलयन का प्रसरण दाब दिया गया है, विलयन स्थिरांक दिया गया है। इस फार्मूले से वांट ऑफ गुणांक आई का मान निकालेंगे, आई का मान आई इक्वल टू पाई अपान CST वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आई की, आई इक्वल टू 1.317 ये आया। सेकेंड फार्मूला, अल्फा परसेंटेज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान एन माइनस स्मॉल एन माइनस 1 इंटू 100। अल्फा परसेंटेज जिसको वियोजन की मात्रा कहते हैं, स्मॉल एन वियोजित आयनों की संख्या। इस प्रश्न में वैद्युत अपघट पदार्थ पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया हुआ है जो जली विलयन में 4K+ आयन फेरोसाइनाइड आयन देता है। कुल मिला के वियोजित आयनों की संख्या 5i। इस फार्मूले में आई का मान और स्मॉल एन का मान रख देने पर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वियोजन की मात्रा 7.925% आया। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न, आंकिक प्रश्न आप लोगों को समझ में आया।